बोधगया थाना क्षेत्र अंतर्गत नक्सल गतिविधियां बढ़ गई हैं, जिसकी पुष्टि सीआरपीएफ इंस्पेक्टर और बोधगया डीएसपी ने की है। लॉकडाउन में नक्सल अपना पैर पसारने में जुट गए हैं। नक्सली अपनी गतिविधियों में दस्तक देने का प्रमाण छोड़ रहे हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। बोधगया थाना क्षेत्र के जानी बीघा गाँव में बाहर से 2 देसी राइफल और कारतूस बरामद किए गए हैं। इस मामले में बोधगया डीएसपी ने कहा है कि जो हथियार और गोलियां बरामद की गई है वो छिपा कर रखा गया था और समय के अनुसार इसका इस्तेमाल किया जाता। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि पूर्व में टनकुप्पा, मोहनपुर और बोधगया थाना क्षेत्र के पूर्वी क्षेत्र में नक्सल गतिविधियां होती रही हैं, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता और नक्सलियों व हथियार कारोबारियों के द्वारा शायद हथियार छिपा कर रखे गए थे, जिसकी सूचना सीआरपीएफ के जवानों को मिली और उनके द्वारा गंभीरतापूर्ण सभी बिंदुओं पर ध्यान में रखते हुए छापेमारी की गई। वहीं कई गांवों को आसपास से सील कर दिया गया। इस पूरे मामले में बोधगया थाना क्षेत्र प्रभारी मोहन सिंह का और उनकी टीम का भी सहयोग मिला। हथियार कहां से? ये संयुक्त कार्रवाई मिलिट्री इंटेलिजेंस पर सीआरपीएफ और बिहार पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोगों के साथ बीते रात की गई है। जानी बीघा गांव में इंटेलिजेंस प्राप्त हुआ था कि कुछ हथियार छिपा कर रखे गए हैं। उस इंटेलिजेंस पर ये संयुक्त कार्रवाई हुई, जिसमें ये 2.35 के राइफल्स और करीब 18 प्रोहिबिटेड आर्म्स के कार्टरेज और 3.15 के करीब 12 कार्टरेज और 12 बोर के और एक अननोन बोर है, जिसका कि आप पता किया जाएगा, ये बंदूक की गोली बरामद हुई है। क्या गतिविधि लगती है सर? ये आर्म्स नक्सल यूजेज की संभावना है, क्योंकि जो क्षेत्र से बरामद हुई है वो पहले नक्सल इलाका से प्रभावित क्षेत्र है और जिस तरीके से इसको रखा गया है वो बिल्कुल यह इंगित करता है कि ये आर्म्स छिपा कर रखे गए थे। समय पड़ने पर उन क्षेत्रों से, क्योंकि जंगली क्षेत्र है, वहाँ से निकाल कर प्रयुक्त किया जा सकता है। नक्सलियों के भी जमा होने की सूचना थी क्या? नहीं, नक्सलियों की जमा होने की अभी फिलहाल इधर सूचना नहीं है। ये क्षेत्र जिस क्षेत्र से बरामद हुआ है ये बोधगया थाना अंतर्गत है, जिसमें अभी नक्सली एक्टिविटी या मूवमेंट नहीं पाया गया। तो सर ये कहा जा सकता है कि नक्सली मूवमेंट होने की से इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हथियार आए तो कहीं ना कहीं नक्सलियों का लगाव रहा। ये उनके बहुत सारे सेल होते हैं जो हथियारों का इधर से उधर करते हैं, हो सकता है कि वो हथियार वहाँ रखे गए हों। और ये भी बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब हथियार मिले हैं तो वहाँ गतिविधि न चल रहा है। कोई गिरफ्तारी भी है? नहीं, इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। यह छिपा कर रखे गए थे और फिर इनके अनुसंधान में यह बात प्रकाश में आई कि ये जानी बीघा के पूर्वी क्षेत्र में, जो जानी बीघा गाँव है, तो वहाँ के पूर्वी क्षेत्र में यह एक नाला के पास छिपा कर रखा गया था।